अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय शो। आप देख रहे हैं मेरी आवाज विद उज्मा बाबर और मैं हूं आपकी होस्ट उज्मा बाबर। मजे मजे की रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा फेसबुक पेज और ब्लॉग विजिट करें। फेसबुक पेज का लिंक और मेरे ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज मैं आपके लिए पापड़ी की तरकीब लेके आई हूँ। ये पापड़ी हम चाट के साथ, दही भल्लों के साथ एंजॉय करते हैं। तो चले सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। मैदा 1 कप, पानी 1 ग्लास या हसबे जरूरत, नमक 1/4 टीस्पून, जीरा 1/4 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, ऑयल फ्राइंग के लिए, घी, इसको बनाते हुए हम घी इस्तेमाल करेंगे, ये भी हसबे जरूरत। अब हम सबसे पहले इसका डो तैयार करेंगे। मैंने बाउल में मैदा ले लिया है, अजवाइन, जीरा और नमक शामिल करेंगे। टू टेबल स्पून घी शामिल करेंगे। अब इसको अपने हाथ से अच्छे से मिक्स करें। इस तरह हाथ से मसलने के बाद अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। इसका आटा हमें बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं गूंदना, नॉर्मल आटा हम गूंदेंगे। इस तरह डो तैयार कर लें। अब हम इस डो के छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। इस तरह पेड़े तैयार कर लें। अब इन पेड़ों की हम छोटी छोटी बूढ़ियां बनाएंगे। सबसे पहले अपने हाथ पे हल्का सा तेल लगाएं ऐसे और इन पूड़ियों को चारों तरफ से कवर कर लें। इस तरह तमाम पूड़ियां तैयार कर लें। आप देख सकते हैं कि ये बहुत बारीक है, ये जितनी बारीक होगी उतनी ही ये क्रिस्पी और अच्छी बनेगी। कढ़ाई में तेल गरम करें और ये पूड़ियां इसमें शामिल करें। इन पूड़ियों को तलते हुए एक बात का ख्याल रखें कि ये फूलनी नहीं चाहिए और इसको इस तरह अपने चम्मच से या जिस चिमटे से आप बना रहे हैं उससे उसको प्रेस करके दबाते रहें। लाइट गोल्डन ब्राउन होने पर हम इसको बाहर ले लेंगे। हमारी क्रिस्पी पापड़ी अब तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही खस्ता और मज़ेदार सी लग रही है। आपकी फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।